नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24x7। अब हमारी टीम की नजर जलंधर पंजाब पर भी रहेगी। हमारे सहयोगी नरेंद्र सेठी हर खबर पर पंजाब जलंधर सहित आसपास के इलाकों पर बड़ी नजर रखेंगे। देखिए नरेंद्र सेठी की ये खास रिपोर्ट। अमृतसर की एसटीएफ ने एक बड़ा खुलासा किया है। दरिया के जरिए पाकिस्तान से हीरोइन मंगाने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 205 करोड़ रुपए आंकी गई है। एआईजी ने इस घटना का खुलासा करते हुए बताया कि ये सभी तस्कर जो थे एक लंबे समय से तस्करी की घटना को अंजाम दे रहे थे और दरिया के जरिए ही हीरोइन पाकिस्तान से मंगाते थे। फिलहाल अभी इनसे पूछताछ की जा रही। बताया ये जा रहा है कि जल्द ही कोई और भी बड़ा खुलासा हो सकता है। हरियाणा में किसान पिछले 3 दिनों से धरने पर अपनी मांगों को लेकर बैठे। किसान मजदूर संघ कमेटी के किसानों का आज धरना तीसरे दिन भी जारी रहा है। उन्होंने कहा है कि आज हमारे किसान नेताओं की रिहा नहीं किया गया तो संघर्ष और तेज किया जाएगा। धरना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हरियाणा सरकार ने किसानों से कहा है कि धरने को तेज ना किया जाए। फिलहाल इसको लेकर किसान लगातार अपने साथियों को छुड़ाने की मांग कर रहे हैं। अमृतसर फ्लाइट में बम से उड़ा देने की धमकी भरे खत मिलने के मामले में पुलिस अभी भी खाली हाथ नजर आ रही है। एक इसमें वीडियो भी सामने आया था। फिलहाल संदिग्ध युवक की तलाश में पुलिस अभी भी लगी है। दरअसल ये फ्लाइट 240 यात्रियों को लेकर इंग्लैंड के लिए उड़ने वाली थी कि इसी दौरान अमृतसर की टॉयलेट में एक पर्ची मिली थी जिसमें लिखा था कि फ्लाइट को बम से उड़ा दिया जाएगा, जिसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हड़कंप मच गया था, जिसके बाद आनन फानन में स्थानीय पुलिस को इस घटना की जानकारी दी थी। फिलहाल घटना को लेकर स्थानीय पुलिस और सिविल पुलिस भी जुट गई थी। अभी तक इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आसपास लगे सीसीटीवी को लगातार पुलिस टीम खंगाल रही है। चंद्रयान 3 की सफलता पर पंजाब, हरियाणा और आसपास के इलाकों में सुबह से ही स्कूल के बच्चे इस उत्साह को अपनी आंखों में कैद करने के लिए बेताब थे। सफलता के बाद छात्रों ने जमकर भारत के झंडे को हाथ में लेकर और जमकर नारेबाजी की है। फिलहाल इसको लेकर बच्चों में सुबह से ही उत्साह देखने को मिल रहा। जलंधर में एक बड़ा हादसा सामने आया है। चेक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों को एक अज्ञात वाहन ने रौंद दिया है, जिसका एक सीसीटीवी भी सामने आया है। यह हादसा मुक्तसर के पास हुआ है। बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए एक ट्रक ने 2 पुलिसकर्मियों को रौंद दिया है। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। दोनों पुलिसकर्मियों को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ उनकी हालत नाजुक बताई गई है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।